भाई ये जो आप वीडियो है भाई ये पूरी आपको देखनी है, ठीक है भाई। इसमें कुछ भाइयों के कमेंट का जवाब भी है, ठीक है भाई। और भाई जो हमने जोड़े लगाए थे ना उसका 100% रिजल्ट भी है जो हमने दिखाया, और जो बच्चे हमने डोमिनेट करने ना उससे वो भी आपको प्रॉपर दिखाए हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो पूरी वॉच करना। तो भाई वेलकम है पीजी तो फरीदाबाद में, सब भाइयों का स्वागत है भाई। तो भाई ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि भाई आपको कुछ मैंने जो जोड़े लगाए थे उनका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि बच्चे क्या निकलवाए थे हमने, ठीक है भाई। जो बच्चे 10 पर साफ करके ला रहे हैं, ठीक है। और भाई कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई उनकी भी बात कई हद तक सही थी, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपके अगर मान लो आपके 50 कबूतर तो शायद आपके 5 कबूतरों या 10 कबूतरों में ही वो क्वालिटी मिल सकती है, क्योंकि वो भी अच्छी नस्ल के कबूतर आपके पास अगर हैं तो नस्लदार कबूतर, ठीक है। उनकी बात भी सही है कई हद तक, ठीक है। पर भाई ये कहना कि भाई कि मतलब कि हर बच्चा उड़ जाता है, हर कबूतर उड़ता है, अगर हर कबूतर उड़ता होता तो भाई सारे के सारे खिलाड़ी होते आज के टाइम में, ठीक है भाई। मेरे भाई यहाँ पर कोई वीडियो देखने में नहीं आ रहा होता, सबके सब टॉप टॉप नंबर एक नंबर के खिलाड़ी होते, ठीक है जी। तो भाई ये कहने की बात नहीं है कि भाई कि मतलब अगर मान के चलो कि कबूतर है तो उड़ेगा, कबूतर उड़ता है, 1 घंटा भी उड़ता है, आधा घंटा भी उड़ता है, तो कोई कबूतर होता है जो शाम तक भी जाता है, ठीक है। मेरा इस चैनल पर हम जो वीडियो डाल रहे हैं भाई, हमारा मेन मकसद ये है कि जो कबूतर को जितना हो सके अच्छे से अच्छा मतलब नॉलेज देने की, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम भी कई जगहों से गेन करते हैं, कुछ भाई कमेंट करते हैं, भाई बिल्कुल सही बात है। अगर हम मान के चलो हम झूठ थोड़ी बोलते हैं, हमने जहाँ जो चीज़ जहाँ से कबूतर लेके आ रहे हैं हम वहाँ का नाम भी लेते हैं भाई उस भाई का, जैसे जीतू भाई है, ठीक है, उसके भाई भाई के यहाँ से हम कई कबूतर लेके आए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आप को खिलाड़ी मान रहे हैं भैया कि अभी जीतू भाई के यहाँ से कबूतर नहीं लाए हैं, उनका नाम नहीं मैंशन कर रहे हैं। भाई कुछ भाई मेरे कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि भाई जीतू भाई और 3 के 13 ऐसे बातें बोल रहे थे, ठीक है। तो भाई कई बात तो कई बंदों की बातें अच्छी लगती है, कई बंदों की बातें बुरी भी लगती है, ठीक है। पर ये तो खैर इनको बोलने वालों का काम है, क्योंकि देखो इनके इनके बस की खुद तो कुछ करना है नहीं, ठीक है जी। ये तो बस कमेंट करने आते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं, पर मेरे को इनसे मोटिवेशन ही मिलता है, ये चाहे कैसा भी कमेंट करे, मेरे को बस यही होता है कि मैं और अच्छा करूँ, ठीक है भाई। और रही बात भाई जीतू भाई की, तो भाई जीतू भाई जैसा बंदा भी बहुत कम है, ठीक है। उन्होंने जो भी चीज़ अगर बताई होगी अपने YouTube चैनल पर या मैं उसने पर्सनली जाके मिला हूँ, जब भी उन्होंने जो भी चीज़ बताई है वो एक नंबर चीज़ बताई है, ठीक है। और उनके यहाँ से कबूतर भी कई कबूतर लाया हूँ मैंने, कई वीडियो में भी बताया है, ठीक है, एक से एक क्वालिटी के कबूतर हैं, ठीक है। अब मेरा जो मेन टॉपिक था वो आपको बताने का ये था कि जोड़े होते हैं ना जो वो जो चीज़ मैं बताता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि भाई वो कबूतर सारे कबूतरों में नहीं होता, मेरे भी कई कबूतरों में वो क्वालिटी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उड़ेगा नहीं, ठीक है ना भाई। मेन मकसद भाई ये होता है जोड़े के ऊपर की बात बताने का कि भाई कि जो जोड़े के टॉप पे काम आए, मतलब जोड़ा के जो बच्चा उड़ाता है हमारा, ठीक है, मेन चीज वो थी। जो जो चीज मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई वो सारी चीज अगर कबूतर के अंदर है तो वो बच्चा 100% उड़ाएगा भाई, अगर वो अच्छी नस्ल का कबूतर है पीछे से, ठीक है। और भाई रही बात जो मैंने जोड़े वाली बात बताई थी, भाई कुछ भाई के कमेंट ये भी आए थे भाई, ठीक है, जो भाई मुझे सपोर्ट करते हमारी वीडियो को देखते भाई उनका धन्यवाद है, चाहे वो नेगेटिव कमेंट करे चाहे वो पॉजिटिव करे। एक भाई ने कमेंट करा था कि भाई कि जो अगर ऐसा होता तो भाई सारे के सारे कबूतर वाले होते, सारे के सारे खलीफा होता, अगर सारे के सारे जोड़े उस तरीके से लगा लिए होते सबने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उस तरीके से जोड़े लगाओगे भाई कि सारे कबूतर उड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास अच्छा ब्लड है, अगर आपके पास पीछे से जो कबूतर है वो अच्छा कबूतर है, अच्छा नस्लदार कबूतर है ना, तो उसके बच्चे 100% उड़ेंगे भाई, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास सारे कबूतर उसी क्वालिटी के होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर हम जो जोड़े लगाते हैं ना भाई, मैं एक बार भाई को जरा दिखा देना, एक बार क्लोजअप कर दे इसके अंदर, एक बार दड़बे में अंदर क्लोजअप हो भाई, ये जो अंदर है ना सारे के सारे नर है, ठीक है भाई। और इधर दिखाना एक बार, ये जोड़े में वैसे कुछ ये बस यही जोड़े में, जिसमें से एक वो जोड़ा जो है हमने इधर बना रखा सफेद कबूतर का भाई, वो बच्चे पालने के लिए बना रखा है। हाँ भाई, वो बच्चे पालता है, ठीक है, ये मार देना उसके भाई। तो भाई हमें ये पता है कि भाई कौन से कबूतर से बच्चे पलवाने हैं और कौन से कबूतर से हमें उसका ब्लड को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और रही बात उसकी भाई की, कोई भी नस्ल बना लेगा भाई, नस्ल आज के टाइम में बनाना मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल नहीं है भाई, आप जाओ जीतू भाई के पास, ठीक है भाई। हमारा तो काम है नहीं कबूतर सेलिंग का, ठीक है, हम पे तो कोई एक आधा कबूतर 4 कबूतर में से आ जाता तो हम बता देते, जाना आप जाओ जीतू भाई के पास, इतने सस्ते रेट में शायद कोई और कबूतर देता भी नहीं होगा इतने अच्छे कबूतर, क्योंकि भाई मैं भी वहाँ से लेकर आया हुआ हूँ कबूतर, और जीतू भाई के हाथ के दिए हुए कबूतर है, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं है कि भाई आप वहाँ जाके ले सकते हो कबूतर, और पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। अब जीतू भाई ने आपको जोड़ा लगा के दे दिया, ठीक है, और भाई आपको 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके होगा, ठीक है भाई। जीतू भाई ने बहुत सी चीज़ें बता रखी है, ठीक है, मेरे ख्याल में शायद YouTube पर मेरे ख्याल जो मुझे लगता है भाई, मैं अपनी पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है कि भाई उस्ताद अजय चौधरी, ठीक है जी, और जीतू भाई, इन्होंने जो चीज़ बताई है, ठीक है, मैंने बहुत से यूट्यूबरों की वीडियो देखी है, उस टाइम में शायद उस टाइम मेरे पे कबूतर नहीं रखे हुए थे मैंने, ठीक है,
क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ठीक है, और थोड़ा सा मकान का काम चल रहा था तो फिर इसलिए कबूतर हटा दिए थे। जब वो मकान कंप्लीट हुआ तो अब ये सेटअप बनाया था ठीक है। तो भाई उस टाइम पर जब मैं देखता था, मैंने उस भाई की चीज़ों को, जीतू भाई की चीज़ों को फॉलो कराया ना, तो भाई मेरे को 100% रिजल्ट मिला ठीक है भाई। जो बात है मैं ये लगा लो एक तरह से कि भाई मैं अगर मैं फॉलो किसी को करता हूँ तो उस अजय चौधरी को और भाई जीतू भाई को, इनको ही मैं फॉलो करता हूँ जो बात है। और इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने ठीक है, और कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे ना एक बार जाके जीतू भाई का भी शो करवाऊँगा आपको अच्छे तरीके से ठीक है, और अजय चौधरी जी का भी शो करवाऊँगा, सादा चौधरी जो है उनका भी शो कराऊंगा ठीक है। वो तो हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, पास गई है ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके कबूतर का भी आपको शो कराऊँगा ठीक है, और कोशिश करूँगा कि भाई उनसे भी कुछ बातें ऐसे निकलवाई जाएँ जो उन्होंने शायद अभी कहीं नहीं बताई हो ठीक है। पर कोशिश करूँगा, पर हमारा अभी लेवल इतना हाई नहीं है, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ भाई ठीक है। भाई हम थोड़ा अपने आपको थोड़ा स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे करके आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो भाई हम हर जगह पे जाके शो कराएंगे ठीक है। और जिनको हम अपना आइडल मानते हैं भाई कबूतरबाजी की लाइन में ठीक है, उनको जाके उनके पास जाके हम अपना शो कराएंगे। और भाई दूसरी बात ये कि भाई कबूतर मेरे पे 1, 2, 3, 4 जोड़ी रखे पड़े इस टाइम मैंने ठीक है भाई, चार जोड़ी हैं और मेरे पे कम से कम 70-80 कबूतर हैं ठीक है भाई। मैंने सिर्फ 4 जोड़ी लगा रखे हैं ठीक है, मैं तो लगाने को तो मैं तो 40 मतलब कि 30 जोड़े लगा लेता हूँ फटाफट, 30 जोड़े लगा के बच्चे निकलेंगे धड़ाधड़। पर भाई मैं पागल थोड़ी भाई, मैंने ये लगा लो कि 2 साल कंटिन्यू जोड़ा लगाया और भाई मैंने कितने जोड़े तोड़ दिए और वो मैंने जोड़े दोबारा कभी नहीं लगाए ठीक है। कुछ मैंने जोड़े ऐसे लगाए थे कि भाई मैंने जोड़े लगाए ठीक है, मुझे कामयाबी नहीं मिली, मैंने 2 साल चेंज करा, नर को मार दिन दूसरी लगाई, दूसरे को नर लगाया तो भाई उसका रिजल्ट आया मेरे पास समझे। और भाई एक चीज़ हो रहा भाई, जो कबूतर मेरे यहाँ से एक बार जाल पे पंजा टेक के अगर वो बच्चा भग जाता ना तो मैं जोड़ा काट देता हूँ ठीक है। मेरे यहाँ पर अब भी वही जोड़े लगे पड़े जिनका बच्चा अगर जाल पे पंजा टेक लेना 5 मिनट भी, अगर 5-10 मिनट अगर जाल पे बैठ जाए उसके बाद चाहे वो 10 दिन बाद आए चाहे 15 दिन बाद आए चाहे पूरा दिन घूम के आए, वो बच्चा घर पे ही आता है ठीक है। और भाई मैं आपको शो करा देता हूँ कि भाई मैं क्या डोमिनेट करता हूँ, किस जोड़े से मैंने क्या चीज़ डोमिनेट करी है ठीक है। लोगों का मुंह हिलाने का काम होता है, वो मुंह हिला कर चले जाते हैं, उनके खुद के बस के तो कुछ होता नहीं है ठीक है ना भाई। भाई ये चीज़ क्योंकि ना एक भाई है उसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ ठीक है, अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना, पर उस भाई ने कई वीडियो में भी कमेंट कर रखे हैं बेफालतू के ठीक है। और भाई को मैंने हमेशा प्यार से रिप्लाई करा है पर वो भाई मानता नहीं है ठीक है। पर कोई बात नहीं भाई, उसकी अपनी सोच है, वो अपनी जगह क्या पता सही हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी आ रही हो अगर हमें ऐसा लग रहा हो, पर भाई हमने कभी किसी को गलत राय दी नहीं है और ना हम कभी देंगे ठीक है। और भाई मैं आपको एक बार शौक कराता हूँ ठीक है। और भाई मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, मैं कभी सर्दियों का शौक नहीं करता हूँ ठीक है, इसी चैनल पे मैं लाइव चीज़ बता रहा हूँ ठीक है। 3 या 4 भाइयों के बीच में एक शौक होगा हमारा ठीक है, वो भी शौक इसलिए कर रहा हूँ कि भाई उस भाई के कमेंट के ताकि उस भाई को भी उड़ा के कबूतर हम दिखा सकें। 2 अक्टूबर को कबूतर उड़ेंगे या तो फिर उड़ेंगे 2 अक्टूबर के बाद जो अगला संडे आएगा ना 6 तारीख का, शायद 6 तारीख का ही है मेरे ख्याल में बच्चे उड़ेंगे 19 दो मैं वो बच्चे मैं उड़ाऊंगा जो आपको अभी दिखाऊंगा ठीक है, और बाकायदा उनका रिजल्ट दिखाऊंगा। और मात्र 6-7 सड़क बाद वो बच्चे सीधा बाजी में उड़ा दूंगा मैं ठीक है। 6-7 भी हो या ना हो पाए क्योंकि अभी लास्ट के लिए आ रही है ठीक है। तो पहले तो उन बच्चों का मैं शौक करा देता हूँ आपको ठीक है, और भाई उसके बाद अगर रिजल्ट आएगा प्रॉपर वीडियो डालूंगा, चाहे मेरा कबूतर 1 घंटे बाद ही उतर जाए पर मैं जानता हूँ कि मेरा कबूतर कितनी देर उड़ेगा ठीक है, और बिना किसी नुक्ते के ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे मौसम में अगर मैं नुक्ता लगाऊंगा तो फिर बेकार है मेरे कबूतरबाजी का भाई, सीधी सी बात मैं बोलता हूँ ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर भी अगर मैंने जब 40+ टेम्परेचर में कबूतर भी मैंने 3:30-4 बजे तक कबूतर उड़ा रखा है तो मैं इस मौसम में तो कबूतर शाम करवा दूंगा आराम से ठीक है। पर यह है कि ये बच्चे अभी नए हैं ठीक है, और मैंने ये 2-4 बार ही उड़ा के थोड़े से छत पे पक्के कर हुए हैं बस ठीक है, बाकी अभी इन्हें उड़ाऊंगा जब आपको शौक कराऊंगा प्रॉपर तरीके से ठीक है। बाकी भाई देखते हैं बाजी का रिजल्ट क्या होगा, जो भी होगा ठीक है, हम हारेंगे या जीतेंगे जो भी होगा वो भी आपको बताऊंगा ठीक है। ये वीडियो में डालने का मकसद ही यही था, और भाई आपको एक बार शौक कराता हूँ मैंने फोन से जोड़े से क्या चीज़ डोमिनेट कर रखी है ठीक है भाई। तो आइए शौक कराता हूँ। तो भाई ये देख लो, एक ये जोड़ा मेरा ठीक है, इसके पल्ले देखना पड़ेगा ठीक है भाई, ये इसकी आँख है। और भाई ये लगा लो कि अपना मेन जोड़ों में से ये कबूतर ठीक है। तो भाई ये मार्जिन है, तो भाई ये मार्जिन को तो आप जानते होंगे 1500 वाली नस्ल है, और ये भी भाई जीतू भाई के यहाँ से आई हुई कबूतर है, बट जीतू भाई के घर के आई हुई है, हरियाणा में जो रहते हैं ना उनका घर है जो गाँव में उनका, वहाँ के आई हुई कबूतर है। देखो भाई जैसे मैंने बोला था लास्ट की कली देखो दोनों बराबर ही है, लगभग बराबर कली है ठीक है। ये आँखें देखो भाई, और भाई अब कोई भाई कहेगा मैं देखो इनके नीचे नकली अंडे हैं भाई, ये देख लो भाई, ये मैं अच्छे से दबा दूंगा, देखिए जाए नीचे रख के ये नकली अंडे रखे पड़े हैं इनके नीचे, क्योंकि भाई हमें किससे बच्चे पिलवाने किससे नहीं पिलवाने हम जानते हैं अच्छे तरीके से
और भाई उसके नीचे छपा कबूतर है जो उसके नीचे अंडे धरे पड़े इसके। और भाई मैं इनके बच्चे आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये बच्चे भाई ये देख लो भाई एक बच्चा ये रहा, ये भाई 1500 वाली नस्ल का बच्चा है ठीक है। मैंने भाई ये ब्रीडिंग करने के लिए रोका था ठीक है, पर भाई अब मैंने सोचा कि चलो इसे उड़ा ही दूंगा अब ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। और भाई गर्मियों की बाजी में भी कोशिश करूंगा शौक करवाऊंगा इसका अगर ये सही सलामत रहा तो ठीक है। अभी लास्ट कली रह रही है भाई देख लो ठीक है, अब ये कली जब भी आएंगी पर ये उड़ेंगे जरूर बाजी में ठीक है भाई। तीन पट्टे दिखाऊंगा, तीनों में से दो पट्टे उड़ेंगे ठीक है। ये पंजे भाई एक बार भी पकड़ के शौक करा दो सीधा, ये देख ये लो भाई देख लो ये देख लो भाई ये पट्टा है उसी का जोड़ का ठीक है भाई। अब भाई इसके संग जो मादिन थी इसी के साथ की मादिन है, वो पट्टी जो थी इसके संग के निकली थी जो उसका भी शौक करा देता हूँ। तो भाई ये है उसके साथ की पट्टी ठीक है, उसी के संग के निकली हुई बच्ची है मकोई पट्टी है भाई ठीक है ना भाई। ये देखो भाई ये भी लास्ट अपनी कली ला रही है ठीक है, ये भी देखो कितने दिन में लाती है, पूरी करती है चाहे चार दिन में करे चाहे हफ्ते में करे, पर ये उड़ेंगे जब भी ठीक है भाई। और तीसरी चौथी फर्क में भी अगर ये उड़ेंगे तब भी मैंने उड़ा ही दूंगा। ये पंजे हैं भाई, भाई ये चीज़ मैंने डोमिनेट करी है ये दोनों पट्टे ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों बच्चे मैंने उसी जोड़े से डोमिनेट करे। और भाई अपने जसलीन भाई के पास भी हैं बच्चे ठीक है भाई, जसलीन भाई को भी दे रखे थे और एक भाई और है उनको भी दे रखे हैं ठीक है। क्योंकि भाई अगर मैं चाहूँ तो अभी निकलवा लूँ, पर मैं अभी जो बच्चे निकलवा रहा हूँ ना भाई मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ ताकि आगे जाके ब्लड को रोकने के लिए इन बच्चों को ना आगे जाके ब्रीडिंग पे डालूंगा मैं, जो बच्चे निकलेंगे उन्हें काट मार के ठीक है उसके अंदर क्वालिटी चेक कर लूँगा कि क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर है, अगर उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि जो ब्रीडिंग में काम आएंगी तो मैं वो जोड़ा 100% लगाऊंगा ठीक है। क्वालिटी तो इसमें भी है पर एक बार ये आपको उड़ा के भी दिखाऊंगा ठीक है भाई। 2 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को या उससे नेक्स्ट संडे जो भी 6 तारीख को आएगा उसमें जो बाजी होगी ठीक है भाई उसमें आपको शो कराऊंगा। चार भाइयों का शौक है क्योंकि भाई एक भाई के कबूतर भी प्रदान नहीं है ठीक है भाई, अगर हो गए उस भाई के तो वो भी शौक करेगा ठीक है, नहीं तो 3 भाई तो कन्फर्म है ठीक है। भाई अब भाई आपको दूसरा जोड़ा दिखा देता हूँ अपना, पर वो मैंने अभी जोड़ा काट रखा है ठीक है, अभी मैंने वो जोड़ा लगा नहीं रखा क्योंकि भाई गिनती के 4-5 जोड़े लगाते हैं एक बारी में भाई, क्योंकि ज़्यादा बच्चे मैं करवाता नहीं हूँ ठीक है, लिमिटेड बच्चा करवाता हूँ भाई। सारा काम अपना जो है मेन काम देखो अपना क्या है, मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरा मेन काम बाजी लगाने का नहीं है ठीक है भाई, बाजी लगाते हमारे अपने जसलीन भाई ठीक है। और भाई मैंने भी खेली हुई है बाजी, ऐसा नहीं है कि मैंने बाजी नहीं खेली कभी ठीक है, पर मेरा मेन फोकस क्या है जो नस्ल को बनाने का ठीक है, क्योंकि शुरू से मेरा शौक रहा है कि मैं ब्रीडिंग करवाने का शौक रहता है और अच्छी नस्ल निकलवाने का शौक है। तो भाई कोशिश यही कर रहे हैं जैसे 1500 वाली नस्ल जो मैंने आपको बताई है, 1500 वाली नस्ल का जो नाम जो है मैं आगे तक लेके जाना है और टॉप लेवल पे ले जाना है ठीक है। कल ही भाई ने बच्चा उड़ा था सुबह 7 बजे के आसपास की बात है, कल की बात है परसों की बात है ठीक है, ऐसा ही बच्चा है वो मोकोया सेम है बिल्कुल सेम है, पर वो मोकोया है ना रहे वो पहले के इससे पहले के झोल के बच्चों का था वो ठीक है, वो हमने जसवीन भाई को दे रखा था 3:45 से 39 पे उतरा 7 बजे से। दूसरी फड़क पहली भी है पहली नहीं, 3-4 दिन पहले एक बार उड़ा था शाम को शायद आधा घंटा उड़ा था जो भी उड़ा था भाई, सुबह का 7 बजे का उड़ा हुआ कबूतर ठीक है, ना कुछ पानी ना दाने, 3:45 पे उतरा था ठीक है और भाई बिल्कुल फ्रेश उतरा था ठीक है भाई। अगर कोशिश अगर कहोगे तो भाई मैं शायद वीडियो भी डाल दूंगा लास्ट में दिखाऊंगा अगर दिखाने की कोशिश करूंगा ठीक है, पर मेरे भाई ने वीडियो डाल रखी है ठीक है इंस्टाग्राम पे, तो किस नाम से डाल लगे उसने एक बार भाई देख लेंगे जिन्हें देखी नहीं है, तो नाम पवन नाम है पवन ऐसे ही कुछ है पवन भाटी के नाम से ठीक है भाई। एक काम करना आप NCR फरीदाबाद किचन के नाम से ना इंस्टाग्राम पे चले जाना ठीक है, वहाँ पर आपको दिख जाएगी वो वीडियो ठीक है ना भाई। तो भाई अब नेक जोड़े का शौक करा था, हालांकि अभी मैंने जोड़ा वो हटा रखा है पर उससे भी मैंने क्या बच्चा डोमिनेट करा वो भी आपको बताऊंगा ठीक है भाई। तो भाई ये जोड़ा देखो ठीक है भाई, भाई ये जो कबूतर है ना ये भी भाई जीतू भाई के यहाँ से आया हुआ है ठीक है, और जीतू भाई ने बकायदा वीडियो डाल रखी है जिसमें एक इसके रंग पीली कबूतरी लगा रखी है ठीक है भाई, और भाई एक सैंडे का जोड़ा है एक काली चीनो टाइप का जोड़ा है ठीक है, 3 जोड़े डाल रखे ठीक है, और 1.5-2 साल पुरानी वीडियो है। पर भाई हमें लाल कबूतरी संग भाई जो वो रिजल्ट नहीं मिला, पर हमने भाई फिर अपने दिमाग से इससे कबूतरी से जोड़ा लगाया ठीक है, और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला ठीक है। इसके 2 बच्चे निकले हुए हैं ठीक है, एक पहले का है और एक अब की बार का है ठीक है, एक पट्टी निकली थी पहले की एक अब की बार की, और भाई 2 बच्चे जो हमारे जसलीन भाई के पास है ठीक है भाई। ये देखो भाई शौक करा दो बिल्कुल, मतलब कहते हैं 100% जोड़ा है भाई ये, एक बार आपको शौक करा दूं कहोगे तो ये देख लो भाई मादिन ठीक है भाई ठीक बोलो। ये देखो भाई नारे ठीक है भाई, ये नारे भाई ये उसके पल्ले
ये भी फ्रेश पे था, अभी लास्ट पर कल ही ला रहा है ये भाई। ये पटकी है ठीक है भाई, ये जो आपने जोड़ा देखा था अभी काले का और सफेद का, उनके संग ये पटकी निकली थी ये देख लो भाई, बिल्कुल एक उठी पट्टी है ठीक है। और ये देख लो भाई पंजे इसके भाई, ये कली ला रही है अभी लास्ट कलियां ठीक है, अभी कली ला रही है, कली भी अभी झाड़ी के भी नौ भी ला रही है ठीक है। मैं यहाँ पर तो खैर कुंदे उखाड़ी रखे सारे भाई। इस भाई का इसका रिजल्ट तो सिर्फ बता मेरे को ही पता है भाई, ये समझ लो उस टाइम जून जुलाई होएगी शायद से, टेम्परेचर चेक नहीं कर रहा था, आप ही उड़ा के गए थे सुबह सुबह जो भी 6:30-7 बजे के करीब में भाई, 6:30-7 बजे के आसपास मैं पट्टी को उड़ा के गया था ठीक है भाई। इसके साथ दो और बच्चे उड़े थे अपने, हाँ भाई ठीक है, वो तो खैर आए नहीं थे, आए नहीं थे हाँ क्योंकि बारिश आ गई थी भाई, पट्टी उस टाइम पे 1:30-2 बजे उतर गई नहीं, कम से कम ये समझ लो 2 के पार का टाइम होगा, 2:10 या 15 फोन करा था कि मौसम खराब हो रहा है ना, वो भी भाई आसमान से उतारने पड़े थे क्योंकि बारिश आ रही थी बहुत बुरी वाली, उसकी वजह से कूदी थी, तूफान आ गया था तो भाई उसमें ये पट्टी जो है नीचे आ गई थी, तो उसके संगे जो पट्टे थे वो किसी और कबूतर के पट्टे थे, वो आए नहीं थे, वो अगले दिन आए थे ठीक है भाई। ये देख लो भाई ठीक है, ये इस मार्जिन का रिजल्ट है, और भाई इस मार्जिन के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो एक जोड़े के लिए होने चाहिए भाई ठीक है, और आगे जाके इसका जोड़ा लगाऊंगा मैं ठीक है, मेरे को पता मुझे किससे लगाना, वीडियो डालेंगे भाई जरूर। तो भाई ये अब की बार जो मैंने बच्चा निकलवाया था ठीक है भाई, ये उसके साथ ये वाला बच्चा देखो भाई, भाई देखो ये तो जो प्योर कबूतर है ना मकोई भाई ठीक है, वो ही है भाई ठीक है, और भाई जो देखेंगे ना वो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि भाई ये कबूतर प्योर है या नहीं है ठीक है भाई। आँख चेक करो इसकी, हाँ कबूतर की आंखें देखो बिल्कुल बटन जैसी भाई बाहर आ रही है आंखें, ये देखो चेक करो देखो भाई ठीक है, देख रहे हो भाई, और ये मैंने ज्यादा नहीं उड़ाया, 2-3 फड़क उड़ा के मैंने रोक लिया था ठीक है, और ये भी बट्ठा भी जो है उस बाजी में उड़ेगा अगर इन्हें अपनी लास्ट कली पूरी कर ली तो, जैसे ये वाली कली है, और इसका तो चांस है कि ये कर ही लेगा पूरी ठीक है भाई। ये पल्ले हैं बट्ठे के, ये पंजे हैं भाई, शौक कर बच्चे का सीधा एक और आठ, ये देखो भाई ये देख लो भाई बच्चा ठीक भैया ठीक है भाई ठीक। तो भाई जैसे कि मैंने आपको दिखाया ठीक है भाई कि क्या क्या चीज थी इसके अंदर जो कबूतर मैंने निकलवाए थे, थोड़ा बहुत उनका रिजल्ट बताया भाई, हो सकेगा तो बाजी जब कंप्लीट होगी तो बाजी के टाइम पे भाई पूरा शौक कराएंगे पूरे दिन में जो जो है ठीक है भाई, बकायदा टाइम के साथ ठीक है। और भाई और जो हमने इनाम सोचा है ठीक है भाई, जो भी इनाम जो रखा जाएगा वो भी आपको दिखाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे भाई उस दिन हम ठीक है, और उसके तो एक या दो दिन बाद वो वीडियो रिलीज डाल देंगे ठीक है, आप भी देख सकते हो फिर ठीक है, अगर वो बाजी कंप्लीट होती है तो। और भाई मेरा मेन वीडियो मकसद बनाने का यही था कि भाई आपको दिखाऊं कि मैं क्या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं भाई ठीक है, ये भाई 3-4 साल की मेहनत है, कबूतरबाजी करते हुए तो मुझे 16-17 साल हो गए हैं ठीक है भाई, पर जो ये मेहनत है ना जो जोड़ेबाजी का जो जुनून है भाई वो बहुत टाइम से है ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी पाले थे ना उस टाइम पे भी मेरे को ब्रीडिंग कराने का बहुत शौक था ठीक है, और भाई अच्छे कबूतर बनाने का शौक है, ये नहीं कि कुछ भी बना दो, लोग मेरे से आके कहते हैं ये कल्सरों की यार तो ये कल्सरों से बच्चे पलवा रहा है ठीक है, इनके बच्चे ले भाई नहीं, मेरे को अभी सिर्फ पंजाबी कबूतरों पर फोकस करना है ठीक है भाई, और उसी पर फोकस रहेगा, और भाई अगर मेरी बात किसी भाई को बुरी लगी हो तो भाई मैं उससे माफी मांगता हूँ ठीक है भाई, मेरा कोई मकसद नहीं है कि भाई किसी को मैं हर्ट करूँ, पर भाई कई बार बात कोई बंदे ऐसे कर लेते कि क्या बोलूँ उनका मैं भाई, वो प्रॉपर पीछे से वीडियो तो नहीं देखते पूरी, बस आधी वीडियो देख के कमेंट करके चले जाते भाई, आप एक बार प्रॉपर जाके पीछे देखो तो सही, और भाई शुरू से लेके मैं आज बता रहा हूँ हमारे चैनल में जो शुरू से लेके और अब तक भाई हम सीख ही रहे हैं, और धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ हम आगे जाके प्रोसेस में आ रहे हैं ठीक है भाई, अब पहली वीडियो से लेके और आज की वीडियो में हमने भाई ए से लेके 10 तक का सफ़र कर लिया भाई, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने 100 का सफ़र कर लिया भाई, 10 तक का, 1 से लेके 10 तक का सफ़र कर चुके हैं, और धीरे धीरे करके 100 तक हमें जाना है ठीक है, और उस चीज़ के लिए हमें भाई आप सब भाइयों का सपोर्ट की जरूरत है भाई, और वीडियो को भाई जितना हो सके शेयर जरूर करा करें ठीक है भाई, क्योंकि भाई आपके शेयर और कमेंट से ना मैं ये नहीं कहता कि भाई जो आपको लगता है ठीक है, जैसा आपको लगता है कि हाँ भाई भाई गलत बताइए या सही बताइए जो भी चीज़ मैंने ठीक है, क्योंकि भाई मेरे से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी होंगे जो भाई वीडियो देखते होंगे मेरी ठीक है, और भाई मेरे से भी तगड़े तगड़े बहुत खिलाड़ी हैं, पर भाई मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि भाई अच्छे ही वीडियो बनाऊँ, और भाई किसी भाई को कोई भाई मेरे यहाँ पे अगर वीडियो अगर देख रहे ना आगे तो वो ये ना सोचे कि टाइम खराब कर दिया और मैं कुछ ना हो हासिल ना हो से ठीक है, प्रॉपर भाई उसको फायदा होना चाहिए, मेरा मेन मकसद ये है ठीक है भाई, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर भाई पूरी वॉच करना भाई, आपको लास्ट में पूरा प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा कि अभी मैंने क्या जोड़ा लगा रखा है ठीक है भाई। तो भाई वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई, वीडियो को भाई जितना हो सके शेयर करें ठीक है, और भाई ये जो बच्चे उड़ाऊंगा
और भाई ये बच्चे कैसे रहेंगे पहले ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और भाई जब इनका रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी तो अक्टूबर है, अक्टूबर में तो खैर भाई आराम से नॉर्मल भी है, आराम से बढ़िया टाइम मारेंगे, ठीक है। असली मजा तो गर्मी में आता है, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि जब गर्मी के टाइम मौसम आएगा ना, उस टाइम पे जरूर 2-3 बाजी आपकी बार रखी जाएगी, ठीक है। क्योंकि अपने आसपास का जो है छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाने का विचार कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8 या 10 एंट्री लेंगे और भाई वो टूर्नामेंट करवाएंगे, ठीक है, ताकि भाई सब बारों को भाइयों को शौक भी हो जाए और थोड़ा सा अपने आसपास के कबूतरबाजी जो है थोड़ी सी हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश है। क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई टूर्नामेंट अपने एरिया में नहीं होता, ठीक है, अपने एरिया में सीधा बाजी होती है, ठीक है, इसलिए हम भाई उस तरीके से आपको शौक भी नहीं करवा पाते। क्योंकि भाई सीधी बाजी होती है तो इतना टाइम नहीं मिलता भाई, इधर उधर भागना पड़ता है, दूसरे भाई के यहाँ पे भी जाके देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए भाई वीडियो बनाने पड़ते हैं, पर आपकी बार कोशिश करेंगे गर्मियों में आपको अच्छा शौक कराएं, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना भाई, और जिस किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी तो उससे माफी है भाई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए राम राम भाई, सब भाइयों को गुड बाय।